नमस्कार। हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। गुरुग्राम के बीजेपी दफ्तर पर प्रदेश चुनाव समिति की दो दिवसीय बैठक खत्म हुई। जानकारी के मुताबिक बैठक में सभी 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई है। बीजेपी की इस बड़ी बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली समेत बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। दो दिवसीय चुनाव संचालन समिति की बैठक थी और काफी नाम भी थे उनके ऊपर भी अभी तो प्राथमिकता उसके ऊपर चर्चा हुई है। जितने हमारे पास प्रत्याशियों ने अप्लाई किया था हर नाम के ऊपर चर्चा हुई है और केंद्रीय नेतृत्व से भी उसको भेजने का काम करेंगे। 90 की 90 सीटों के ऊपर हरियाणा की जो चुनाव समिति है उसने मीटिंग करी, सबने अपने सुझाव दिए, तीन तीन चार चार नाम तय हुए, किसी पे चार, ज्यादातर तीन, और अब वो सारा का सारा चिट्ठा इकट्ठा करके हमारे प्रधान जी केंद्रीय इलेक्शन कमेटी को भेज देंगे, वो फैसला करेंगे। लंबी फेरिस्ट है, आखिरकार किस क्राइटेरिया पर पैनल तैयार किया गया है? देखो ये क्राइटेरिया तो यही है, अवेलेबिलिटी का, और कुछ नहीं है। आवेदन नहीं लिए हमने तो सब विधानसभाओं की चर्चा की है, जहां जहां जिन जिनकी संभावनाएं जीत की थी, जो अच्छे कार्यकर्ता थे, उन सब नामों को बंद करके प्रदेश अध्यक्ष जी को दे दिया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहुंचाएंगे, वहां वो बैठ करके यानी हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके सामने चर्चा करेंगे और रिजल्ट निकलेगा, सबके सामने आएगा। सर कोई सूची है कितनी? कोई ऐसी सूची नहीं। आज की जो हमारी चुनाव समिति की बैठक जो दो दिवसीय थी और 2024 के विधानसभा चुनाव को लेके सभी 90 विधानसभा सीटों पर सभी प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और सभी ने अपने विचार रखे हैं और एक सूची जो तैयार हुई है ये हम अपना जो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने हम रखेंगे और उसके बाद हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड वो फैसला करेगा और जब भी बैठक अगली होगी हम आपको सूचना देंगे। पैनल में कितने नाम है सर? कितने नाम है पैनल में? टोटल कितने नाम है इस बात की फिगर अभी मेरे पास है नहीं। और अब खबर अम्बाला से है, जहां छावनी बस स्टैंड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक संदिग्ध बैग लोगों को दिखाई दिया, जिसके बाद से बस स्टैंड पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची और बैग को आधुनिक मशीन की मदद से जांचा गया। बैग में कुछ संदिग्ध चीज नहीं मिली, जिसके बाद से लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन हैरानी तब हुई जब पता चला कि ये वाकई में सुरक्षा दलों की एक मॉक ड्रिल थी। तो वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए एसएचओ देवेंद्र कुमार ने बताया कि समय समय पर ये मॉक ड्रिल की जाती है ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति हो तो टीम उससे आसानी से निपट पाए। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी के पर्पज से मॉक ड्रिल की जाती है और जैसे कि बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, इस प्रकार की भीड़ भाड़ के क्षेत्र है उनमें मॉक ड्रिल करना अति आवश्यक है, जिससे संदेश जाता है कि पुलिस और पब्लिक का सामंजस्य है और लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जागृत होती है। देखिए विद इन 22 मिनट्स में स्पॉट पे विजिट हो चुकी थी, जैसा कि एक्सरे मशीन के द्वारा चार्जर इसमें विजिबल हुआ है। अब अगर खबर जो है वो गोगामेड़ी से है, जहां उत्तर भारत के प्रसिद्ध धर्मधाम गोगामेड़ी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं और आसपास के इलाकों की सुरक्षा के साथ ही मेला क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिहाज से पुलिस ने मेला क्षेत्र में पुख्ता इंतजाम किए हैं। गोगामेड़ी पुलिस थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि गोगाजी महाराज के श्रद्धालु हमारे मेहमान हैं, उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए गोगाजी मेला क्षेत्र को 5 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें गोगाजी का मुख्य मंदिर और समाधि स्थल, मेला बाजार, गोरक्षटीला मंदिर, गोगाणा, मेले की यातायात व्यवस्था, वाहन पार्किंग क्षेत्र शामिल हैं। गोगामेड़ी थानाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि मेला क्षेत्र में विशेष भीड़ वाले दिनों में 1200 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात रहेगा। पीक डेज को लेकर जो गोगामेड़ी मेला है 25 से 27 जुलाई तक जो पीक डेज का प्रथम उत्सव रहेगा, उसमें पुलिस की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं, जिसमें
भीड़ के लिए जो बैरिकेडिंग व्यवस्था है वो तीन फेज में है, पहला और दूसरा फेज लोहे की बैरिकेडिंग का है और तीसरा फेज है वो लकड़ी की बैरिकेडिंग है। हर वर्ष जो लकड़ी की बैरिकेडिंग है थोड़ी कम होती थी, अब की बार हमने प्रयास किया उसको जस्ट डबल करके जो श्रद्धालु है वो अधिक क्षमता में उसमें आ सकेंगे। तो संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि रोड पर जो है वो श्रद्धालु नहीं आएंगे और बहुत ज्यादा लंबी लाइन नहीं लगेंगी। फतेहाबाद के स्वामीनगर इलाके में दो दिन पहले लापता हुए बुजुर्ग का शव मिनी बाईपास के किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग व्यक्ति पेंशन लेने के लिए घर से बैंक गया था, तो वहीं बुजुर्ग के शव की शत विक्षत हालत को देखकर पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। दूसरी ओर मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर के फतेहाबाद के डीएसपी जयपाल सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या की पुष्टि होगी। फिलहाल हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। इक्कीस तारीख को सुबह 10:30 बजे मेरे दादाजी मेरे भाई के साथ पेंशन निकलवाने के लिए बैंक में गए थे, तो ये मेरा भाई उनको बैंक में छोड़ के कॉलेज में चला गया। बोला दादा आप 10 मिनट बैठो, बैंक नहीं खुला था उस टाइम पे, भी मैं वापस आता हूँ आपको 10 मिनट बाद ले जाऊंगा। तो दादा ने पेंशन निकलवाने के बाद, ये भाई थोड़ा लेट हो गया 15-20 मिनट, पेंशन निकलवाने के बाद खुद चल पड़े। वो खुद चल पड़े तो कई इधर गलियों में से आए, इधर गलियों में से आए तो उनकी लास्ट कैमरे में देखा हमने कल, तो इधर से वहां पे गए उस रोड पे मथुरा कॉलोनी वाले रोड पे, वहां से फिर क्या है ना तो वो इस साइड में गए ना इस साइड में गए, फिर एक बकरी वाले ने उनको देखा है कि वो बैठ के वहाँ पे पैसे गिन रहे थे, तो वहाँ से लेके और यहाँ तक हमने देखा कैमरा। जी क्या मामला था जी, क्या मांगे जी आपकी? पूरा रोष है, उन्होंने कार्रवाई नहीं करी हमारे साथ, तुरंत कार्रवाई गलत है, हमारे बाप की ये हालात नहीं होते, जो हालात हमारे साथ देखी नहीं जा रही हमारे, इसलिए पुलिस ने पूछा है, उन्होंने कार्रवाई बिल्कुल नहीं की, हमारे कहता है तुम ढूंढ के ले आओ और हमारे को बता दे। उम्र कितनी थी जी इनकी? उम्र की 90 साल करीब थी। रात को डेयरी आपको लगता है रास्ता भटक गए होंगे और उसके बाद इसमें बिल्कुल नहीं, पूरा कॉलोनी बता सकते 30 फीट थे, रास्ता भटकने वाला कोई काम नहीं। तो ये पैसों के लिए वारदात को अंजाम दिया गया? बिल्कुल सही थे। तो पैसों के लिए वारदात किया गया जी, हमारे पूरा शक है। ये देखो जी रास्ता भटकते थे गलियों में थोड़ी, 3,000 रुपए पेंशन राशि थी जिनके पास, को जेब में पहले होंगे हमारे बताते नहीं थे, बुजुर्ग आदमी अपना अपने आप हिसाब का अपना। पुलिस ने ढूंढने का प्रयास किया था कुछ? हाँ, इसमें रामदीता जी है जो स्वामीनगर के रहने वाले हैं, परसों इसमें पुलिस को सूचना मिली थी, जिस पर तुरंत इसमें 346 IPC 127 DNS के तहत हमने मुकदमा इसमें दर्ज किया है, और उसके पश्चात जो आज ये पता चला है कि भाई ये झाड़ियों के अंदर इसका ये डेड बॉडी पड़ी मिली है, जिस पर SHO और तमाम टीम हम यहाँ आए हैं, CIA की टीम भी आ गई है और इसमें हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं डेड बॉडी का। नीलोखेड़ी में सैकड़ा रोड पर स्थित बैंकों के सामने अज्ञात चोरों ने बीती रात दो दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। हालांकि अज्ञात चोर चोरी नहीं कर पाए और शटर तोड़ने के बाद से मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही तरावड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना को लेकर दुकानदार अजय और जियालाल पंचाल ने बताया कि अज्ञात चोरों ने चोरी की नियत से उनकी दुकानों के शटर जरूर तोड़े थे, तो वहीं मामले को लेकर के पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर चोरों को पकड़ने में जुटी हुई है। मामला था सर बाकी हमारे पास से फोन गया था चले तो आपकी दुकान का शटर टूट गया, जब हम आए फिर हमने 112 पे फोन कराया, फिर वो आए फिर सदर मेरा नरेंद्र सर मोबाइल की सामान काफी सामान है बड़ी पड़ी है, कितनी दुकान दो दुकान है एक आगे जी ताला लगे गया। तो मेरे को सुबह फोन आया था 6:30 बजे का फोन आया था किसी का जो यहाँ पे सैर वगैरह कर रहे होंगे, उनका फोन आया था कि आपकी दुकान का शटर खुला हुआ है, तो मैंने इस टाइम फिर फोन सुन के काट के और यहाँ दुकान पे आया, देखा शटर फटा हुआ था, यहाँ पे आधा फटा हुआ था, फिर मैंने 7 के साथ 112 भी फोन किया, वो भी 5 मिनट के अंदर आ गए थे, यहाँ त्रावड़ी SHO वो भी आ गए थे 7 के साथ। अब खबर सोनीपत से है, जहां के मूर्थल थाना क्षेत्र के गांव भिगान में शराब के नशे में युवकों के बीच कहासुनी हो गई, जिसमें एक युवक को चाकू लग गया। घटना के बाद से खून से लथपथ घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल आरोपी वारदात के बाद से फरार चल रहा है और पुलिस ने हत्या आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस जुटी है। दिनांक 22-23 अगस्त की रात को कंट्रोल रूम सोनीपत से थाना मुक्थल में सूचना प्राप्त हुई कि अंकित निवासी बघान को मृत अवस्था में सरकारी अस्पताल सोनीपत लाया गया है। जिस सूचना पर थाना पुलिस सरकारी अस्पताल में पहुंची तो मृतक अंकित के चाचा संजय ने बताया कि रोहित ने पुरानी रंजिश रखते हुए अंकित को चाकू मार दिया और मुझे देख के मौके से भाग गया। अस्पताल लाते वक्त अंकित ने रास्ते में दम तोड़ दिया है। पुलिस ने इस शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी। सूचना ये मिली थी जी, झगड़ा हो गया, फोन आया था साढ़े 10-11 बजे। अच्छा, क्या नाम था? मुखा जी, अंकित लेगी। मरने वाले का क्या नाम? अंकित लेगी जी। अच्छा, कौन से गांव का था? के। क्या मांग करते हो पुलिस से? पुलिस से यही मांग है सजा दी जाए उनको। रेवाड़ी शहर के पटौदी रोड स्थित आईटीआई के सामने बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस दौरान दो लोगों को 8 गोलियां लगी हैं। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों घायलों को शहर के पुष्पांजलि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जांच में जुट गई है। वो एक हमारे गांव के 5-4 लड़के हैं जो है, उन्होंने ये करवाई है। कोई एक जमीन का कोई मैटर है इनका, उसमें और पीछे भी मेरे भाई के साथ अक्टूबर महीने में पिछले साल इन्होंने गलत मतलब कि केस लगवा कर इसको भीतर करवा दिया था। अब कितने लोगों को लगी है? अब एक तो मेरे भाई योगेश को लगी है और एक इसके साथी छावड़ी छावड़ी उसको लगी है। योगेश तो अपने घर से दुकान से घर रखता है, मेरे फादर की दुकान खाद बीज की। आज सूचना मिली थी कि पटौदी रोड पे नजदीक आईटीआई पास गोलियां चली है। सूचना पाकर हम मौके पहुंचे हैं। यहाँ आने के बाद पता लगा कि भाई योगेश सैनी है, गोकलगढ़ गांव का रहने वाला है और एक है उसका साथी। अंदर यहाँ प्रॉपर्टी का एक ऑफिस है, उसमें बैठे हुए थे। दो लड़के आए जिन्होंने फायर किए हैं और जो तफ्तीश जारी है, इंजर्ड हॉस्पिटल में है। कितनी राउंड फायर हुए? लगभग 8 राउंड के आसपास। अच्छा, अभी घायलों से अगर मिले हो तो क्या कुछ? नहीं, अभी घायलों से नहीं मिल पाया हूँ मैं। आगे की क्या कुछ कार्रवाई की? आगे की है मौके से साक्ष्य उठा दिए जा चुके हैं, अब हॉस्पिटल में जाके इंजर्ड से मिलने के बाद आगे कार्रवाई। मेरे कुछ साथी है, अपने दो भाई है, उनका जमीनी प्रॉपर्टी पे कोई बातचीत चल रही थी तो वो कलगढ़ का एक नितिन जो है गाड़ी फाइनेंस उठाता काम कर रखा है, उसने अपने शूटरों के जरिए अपने कुछ बंदे भेजे। एक मोहित अनाड़ी लड़का जिसने जिम कर रखी, एक विक्की ढाइना, एक सुधीर मोटा, एक किरसन लाला कोसली का, ये चारों आए और आकर यहाँ इन्होंने जैसे गोलियां चला दी मेरे साथियों पर। उनको दो को चोट लगी है और हम ठीक है। आप तीनों बैठे हुए थे? हाँ जी। कौन कौन बैठे हुए थे? एक योगेश सैनी, एक रविंदर रवि सालावास्कर, योगेश सैनी गोकलगढ़ का। चरखी दादरी पुलिस ने फर्जी सीएम फ्लाइंग बनाकर मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी करके रुपये ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल की है। चरखी दादरी डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि गांव सावड़ और बाढ़ा स्थित मेडिकल स्टोर पर फर्जी सीएम फ्लाइंग बनकर छापेमारी की गई, जिसमें मेडिकल स्टोर संचालक से रुपये ऐंठने का मामला सामने आया है। उधर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं और आरोपियों को चरखी दादरी अदालत में पेश करके 2 दिन की पुलिस रिमांड भी हासिल कर ली गई है। सावड़ गांव में शर्मा मेडिकल स्टोर पर फर्जी सीएम फ्लाई ने रेड करके उनसे पैसे ऐंठे हैं और ऐसा ही वाकया फिर 21 तारीख को बागड़ा में भी हुआ था, जिसमें 4 तो पुरुष थे और 2 महिलाएं थी, जिसमें एक महिला पुलिस की वर्दी में दिखाई दे रही थी। तो उन दोनों वारदातों पर अभियोग अंकित किया गया था, जिसमें हमारी सीए टीम ने उनमें से 3 व्यक्तियों को गांव मोखरा से गिरफ्तार कर लिया है, जिनको आज न्यायालय में पेश किया गया है और उनसे 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं।
अब खबर रतिया से है, जहां नशीली दवाइयों की बिक्री की सूचना मिलने पर ड्रग विभाग और पुलिस की टीम ने शहर के पालिका बाजार में एक मेडिकल हॉल पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान ड्रग विभाग की टीम ने मौके से नशे के तौर पर प्रयोग किए जाने वाले 700 के करीब कैप्सूल बरामद किए, तो वहीं कुछ अन्य खामियां पाए जाने पर विभाग की टीम ने संबंधित मेडिकल हॉल को सील कर दिया। इस पे जो ड्रग इंटॉक्सिकेंट यूज होती है वो मिली थी, इसलिए हम ये सेल परचेज दिखा नहीं पाए उस चीज की, इसलिए हमने टेम्परेरीली इसको सील कर दिया। इसमें मेनली प्रेगाबिलिन मिली। हाँ, ये हमारे पुलिस स्टाफ को इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने इनको कैप्सूल्स को पकड़ा है। हाँ, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए छोड़ दिया हमने, आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हाँ, जांच चलेंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर खंड के विभिन्न स्कूलों में अध्यापकों और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ खंड सचिव सतपाल सिंह ढाका और जिला सचिव देसराज माचरा ने बताया कि स्कूलों में शिक्षा, बच्चों और शिक्षकों से संबंधित किसी भी नीतिगत समस्या का समाधान नहीं किया गया है। ट्रांसफर ड्राइव ओबीएस गेस्ट टीचरों, कौशल टीचरों और एनएसक्यूएफ टीचरों को पक्का नहीं किया गया, जिसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ फतेहवाल का जिला सचिव देशराज माचरा हमारे सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने पूरे हरियाणा में 22 और 23 तारीख को काली पट्टियां बांधकर विरोध दर्ज करने का फैसला किया है। इसके लिए हमारे पूरे अध्यापकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सरकार बार बार विरोध प्रदर्शन करने के बाद और ज्ञापन देने के बाद भी बातचीत के लिए नहीं बुला रही है। जैसे हमारे जो अतिथि अध्यापक है। अब खबर फरीदाबाद से है, जहां टूरिज्म विभाग ने 7 महीने से काम के पेमेंट का भुगतान नहीं किया है। जानकारी के अनुसार सूरजकुंड मेले को लेकर फरवरी में टेंडर के तहत काम किया गया था। ठेकेदार के मुताबिक उसने पेमेंट के लिए टूरिज्म विभाग के फरीदाबाद अधिकारियों समेत मुख्यालय के अधिकारियों तक गुहार लगा ली, जिला उपायुक्त से 4 बार मिलकर अपनी समस्या बता दी, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत करने के बावजूद कोई हल नहीं हुआ। अब परेशान होकर ठेकेदार ने मीडिया से गुहार लगाई है कि उनकी परेशानी मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए और उनको उनके दिए काम के पैसे भी मिल सकें। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। सत्येंद्र जी कहां के रहने वाले हैं? मैं गांव दयालपुर से बिलोंग करता हूं और पीओडी भंडार के अंदर काम करता हूं। मैं एक आपने शिकायत बताई है कि आप लगातार 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं, जूतियां घिस गई हैं, लेकिन अधिकारी आपकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या मामला है, पूरी बात बताएं आप। मामला ये है कि सूरजकुंड का जो मेला लगता है उसके अंदर बैरिकेटिंग का काम हमने किया था और हमारी माननीय राष्ट्रपति जी उसमें आई थी, हेलीपैड वगैरह बने थे, सारा प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, चंडीगढ़ का प्रशासन, हरियाणा प्रशासन सारा मौजूद था, तो सारा काम उनकी प्रेजेंस के अंदर किया था हमने। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सौजन्य से आयोजित 3 दिवसीय 7वें ऑल इंडिया नृत्य प्रतियोगिता में अंबाला शहर की चिनेशा जैन ने पंजाबी फोक नृत्य प्रस्तुत कर फोक नृत्य श्रृंखला में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न प्रदेशों से आए सैकड़ों प्रत्याशियों को अंबाला की चिनेशा ने पछाड़कर यह सफलता हासिल की। चिनेशा ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने फोक डांस गुरु अनिल महंत और क्लासिकल नृत्य गुरु अनुराधा को देते हुए कहा कि उन्हीं की वजह से ये मुकाम हासिल हुआ है। एंड मेरा वहां पे भंगड़ा में एंड सेमी क्लासिकल ग्रुप में प्रथम स्थान आया है। वहां पे 2000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे एंड मुझे वहां पे परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा है। ये डॉक्टर साध्वी जेठमलानी जी ने ऑर्गेनाइज करवाया था एंड ये मेरा 4th नेशनल है जिसमें मैं फर्स्ट आई हूँ, लगातार 4th बार। मुझे
असल में प्राइज कभी मिल गया था जब जजेस ने मेरे परफॉर्मेंस पर स्टैंडिंग ओवेशन दी एंड जब ऑर्गेनाइजर ने प्राइज के टाइम पे मुझे ये बोला कि आपके नाम में क्या रखा है, आपका डांस बोलता है। और जो ये हमारा फंक्शन हुआ था नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था, जिसका नाम सप्तरंग फेस्ट था, जहाँ पर तकरीबन 2000 से 2500 तक की टीमें आई थी, जिसमें हमारी 6 आइटम्स जैसे कि 3 सोलो, 2 डुएट और 1 ग्रुप, तो हमारी जितनी भी आइटम थी वो सभी फर्स्ट आई हैं। और उधर सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायक मामन खान और उनकी पार्टी के पक्ष में वोट न देने पर गोली मारने की बात कहने का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। नू पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर दिख रहे दो युवाओं के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए एक टीम गठित की हुई है। टीम के सदस्य मनोज कुमार ने साइबर क्राइम थाना पुलिस को शिकायत में कहा कि वो दो युवा फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान और उनकी पार्टी के पक्ष में वोट करने की कह रहे हैं और साथ ही वोट न देने वालों को गोली मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वहीं इंस्पेक्टर जसवीर सिंह ने मामले में बताया कि वीडियो में दो लड़के अपने आप को झिमरावट गांव का बता रहे हैं। हमारे पास मनोज जो हमारा सोशल मीडिया सेल इंचार्ज है उनकी तरफ से कंप्लेंट तहरीर आई है, जिसमें एक दो व्यक्ति यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल है उनका, उस पर व्यक्ति विशेष के लिए वोट मांगने और आम जनता को धमकाने और उसको हराने की बात पर जान से मारने की धमकी देने के बारे में पर्चा दर्ज किया गया है हमने, जिसकी जांच चल रही है, तफ्तीश जारी है। अभी व्यक्तियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है जो अपने आप को झिमरावट गांव का नाम ले रहे हैं और व्यक्ति विशेष पार्टी विशेष के को वोट देने की अपील कर रहे हैं और ना देने और हराने की बात पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे आम जनता में डर का व्याप्त है। पुंडरी के पाई गांव में पानी की निकासी न होने से गांव के गंदे पानी में रहने को मजबूर गांववासी काफी परेशान हैं। उधर रोड पर रहने वाले ग्रामीणों ने कहा कि इस गंदे पानी से होकर गांव की बेटियां स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। पत्रकारों से बात करते हुए गांव की ही स्कूली छात्रा ने कहा कि हमें स्कूल जाने के लिए गंदे पानी से निकलना पड़ता है और छात्रा अंशु ने बताया कि कभी कभार तो हम इस पानी से निकलते हुए गिर भी जाते हैं, दोबारा कपड़े बदलने के कारण स्कूल में लेट पहुंचते हैं। इसी के साथ ही पीड़ित ग्रामीण महिला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये गांव में आने जाने का मेन रास्ता है और गंदे पानी में पनपने वाले कीट पतंगों और मच्छरों से बीमार रहने का हर समय डर लगा रहता है। सर ये डेढ़ दो साल पहले की बात है जब विधायक जी ने टेंडर लगवाया था सर रणधीर गोलन जी ने, तो उसमें दो एक किल्ला में पाइप दबे थे उस टाइम मौके पे, फिर उसके बाद वो रोक दिए गए, कारण उस टाइम तो कुछ पता नहीं था। अब जो सुनने में आ रहे भाई मंत्री जी ने कमलेश डांडा जी ने रखवा दिया था जो उन्होंने बताया मैं, और महकमे वालों ने फिर सोंगड़ गांव की तरफ से, मैंने सरपंच साहब से मिला हूं मैं, उन्होंने हमें टाइम ही नहीं दिया मिलने का गांव वालों को, तो हमारा ये टाइम निकल गया जो एक साल बीच में, अब अगली अप्रैल पे बात जाए। समस्या ये जी मेन रास्ता गांव का बाहर निकलने का, और यो 4 महीने बरसात का मौसम में फुल रहता गंदे पानी से, इसमें जो उसमें बरसात का मौसम में जीव लकड़े हैं, सांप हो गए, कुछ और जहरीला जनावर हो गया, उनसे भी हमने डर लगा है, और इतने मच्छर हैं जी यहाँ से पशु में और इंसान में बहुत ज्यादा बीमारी फैलने का डर हुआ है। तो हमारी सरकार से ये प्रार्थना भी इस गंदे पानी का निकासी हो और ये गाड़ साफ सुथरी बने ताकि लिकड़न का रास्ता आसान हो जाए, अड़को बच्चे स्कूल में भी जाओ जी, खेत का भी रास्ता, मंदिर भी है पास में, यहाँ पर दो कूज के लिए भी महिलाएं आती हैं। समस्या पानी की निकासी की समस्या है, पानी खड़ा रहा हुआ है, सारा मोहल्ला तंग है, दुखी हो गए बच्चे, लिगड़ते होने गिर भी जाए कई बार, नाला इसकी जड़ में डूंगा, पानी आगे निकासी नहीं हो रही। पंचायत से कोई मांग नहीं अभी तक, पंचायत से की मांग, पंचायत वाले बोले गए बारिश हो रही है फिर करेंगे, तब से ये समस्या आ रही है, ये समस्या तो कई साल से आ रही है, फिर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक विधायक ना भरी थी वो जवाब दे गया, फिर थोड़ा सा काम करवाया कि निकासी का, आगे उसने काम नहीं कर, हमारी मांग यह निकासी होनी चाहिए। यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और जब स्कूल में जाते हैं तो कई बार गिर जाते हैं,
इसलिए कई बार स्कूल के लिए लेट भी हो जाते हैं क्योंकि गिर जाते तो कपड़े चेंज करने पड़ते हैं और यहाँ पे बहुत पानी इकट्ठा होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है। यहाँ पे सुविधा हो यहाँ पे तो। और खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।